गाइस कैसे हो आप लोग। फाइनली Amazon ने भी अपनी सेल को टीज कर दी और क्या कमाल का टीज किया है। कमिंग सून यहाँ पे जो है लिखा हुआ आगे और भर भर के ट्रक में जो है iPhone 13 इस बार आने वाला है। पूरी वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखना, सारा कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फ्लिपकार्ट ऑलरेडी टीज कर चुका और इतने ज्यादा इमोशन में भरा हुआ था फ्लिपकार्ट की डेट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट लीक कर दिया है। 23rd September से 30th September तक, मतलब जो मैंने आप लोगों को आसपास का गैस दिया था वो यहाँ पे जो है होने वाला है। लेकिन इसमें भी यहाँ पे आप लोगों को जो है एक दिन पहले देखने के लिए मिलेगी प्लस मेंबर के लिए, मतलब 22nd September हो गया ऑफिशियली। लेकिन अब मेन चीज क्या है, Amazon क्या सेम डेट पे स्टार्ट करता है या फिर Amazon दो तीन दिन पहले करेगा। अगर दो तीन दिन पहले हुआ तो मतलब जो मैंने डेट आप लोगों को बताई थी 18 September वही आप लोगों को जो है देखने के लिए मिलेगी। पर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। Amazon की तरफ से एक टफ कॉम्पिटिशन रहने वाला है। दोनों आईफोन सेल करेंगे, चाहे आईफोन हो या कोई भी प्रोडक्ट्स हो, उनके लिए कंपटीशन जो है एज अ होल होता है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो डेट अगर मैं अमेजोन की बात करूँ तो वो 18-19 भी हो सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को जो है SBI का कार्ड देखने के लिए मिलेगा, डेबिट और क्रेडिट। और क्लियरली यहाँ पे मेंशन है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे रहने वाला है। वहीं पे फ्लिपकार्ट पे ICICI और एक्सिस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। HDFC वगैरह यूजुअली इस टाइम पे नहीं होता, वो आप लोगों को डायरेक्टली एप्पल के स्टोर्स में देखने के लिए मिलेगा। इन सेल्स में आप लोगों को जो है HDFC देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। बैक टू Amazon, जो डील दिया है फ्लिपकार्ट ने कुछ भी नहीं दिखाया। और मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बोलता हुआ आ रहा हूँ कि इस बार Amazon होगा जो आप लोगों को अच्छा प्राइस ड्रॉप देने वाला है। फ्लिपकार्ट के इस बार बहुत कम चांसेस है। फ्लिपकार्ट ने लास्ट टाइम दिया था, इस बार Amazon देने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे Amazon की, तो आप लोगों को यहाँ पे iPhone 12 ऑलरेडी टीज देखने के लिए मिल रहा है, मतलब -999। और बहुत सारे लोग जो है iPhone 13 ढूंढ रहे हैं, तो iPhone 13 Amazon ने पर्दे के पीछे छुपा के रखा है। मतलब यहाँ पे Amazon को गाना गा रहा होगा, पर्दे के पीछे छुपा के रखा है, उठा दू तो हंगामा। तो यहाँ पे जो है वो वाली चीजें होने वाली है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला। और ये पक्का iPhone 13 है बिगेस्ट डील ऑफ द ईयर। Amazon ने बहुत बार ऑलरेडी किया भी है। और मैं अगर आप लोगों को प्राइसिंग की बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। वैसे मेरे पास अभी जो है ऑफिशियली प्राइसिंग नहीं आई है और बहुत जल्दी आ जाएगी मेरे पास, बट स्टिल अगर हम थोड़ा बहुत गेस करें तो iPhone 12 की प्राइसिंग आप लोगों को 41-42,000 रुपीज जरूर देखने के लिए मिलेगी। 50,000 के अंडर रहेगा ही रहेगा, उसके आप लोग टेंशन मत लो, 40-43 होगी। और एक और चीज यहाँ पे, इस बार Amazon Flipkart क्या करने वाले, मैं आप लोगों को पहले बता दूं ताकि आप लोग जो है पहले से ही प्रिपेयर रहो। फर्स्ट 1 आवर के लिए या फिर फर्स्ट 30 मिनट्स के लिए जो प्राइसिंग होगी वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। उसके बाद 2-3 हजार बढ़ जाएगी। चाहे अब iPhone 12 39,999 हो, चाहे iPhone 13 49,999 हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो आप लोगों को जो है वो फर्स्ट 30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली लाइव रहूंगा, कुछ ना कुछ जरूर रहूंगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए। सेकंडली अगर iPhone 13 की बात करें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोल रहे डॉलर बढ़ गया, कुछ लोग बोल रहे 128 GB है। प्राइसिंग यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। मेड इन इंडिया iPhone 13 ऑलरेडी हो चुका है। मेरा एक प्रेडिक्शन यही रहेगा यहाँ पे कि आप लोगों को 49 वाला नंबर यहाँ पे जरूर देखने के लिए मिलेगा विद कार्ड डिस्काउंट, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए। इसका एक और लेजिट रीजन यहाँ पे क्या है कि iPhone 13 Amazon बिजनेस कस्टमर्स जो है, या फिर आप लोगों को जो Amazon बिजनेस देखने के लिए मिलता है, वहां पे 128 GB iPhone 13 में यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वो 60,000 रुपीज का था। तो क्या बिग बिलियन डे सेल में 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी MRP ड्रॉप भी होगी एप्पल इवेंट के बाद, तो आप लोगों को एक जरूर अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। और एक और चीज है यहाँ पे, अगर आप लोग ब्रांड पे क्लिक करोगे, एप्पल पे क्लिक करोगे, तो आप लोगों को जो है चार टीजर देखने के लिए मिलेंगे, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max। और सबसे पहले मेरी नजर पड़ी यहाँ पे 13 Pro, 13 Pro Max में, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों को 3-digit डैश देखने के लिए मिलता है, मतलब यहाँ पे इस बार सरप्राइजिंगली प्राइसिंग जो है 1 lakh से नीचे नहीं होने वाली है। अभी एक लास्ट सेल गई थी यहाँ पे iPhone 13 Pro 99,990 का था, और वहीं पे 13 Pro Max आप लोगों को समथिंग 1 lakh देखने के लिए मिला था। बट मेरी अभी भी होप्स ऐसे हैं कि आप लोगों को 1 lakh के नीचे देखने के लिए जरूर मिल सकता है। बट यहाँ पे इन्होंने ऐसे टीज किया और यू नो बाहर टीज नहीं किया, अभी तक मे भी उन्होंने जो है प्राइसिंग डिसाइड नहीं करी होगी प्रो सीरीज, क्योंकि यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा डिसीजन रहता है, बहुत बड़ी सेल होती है, लाखों में आईफोन्स बिकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूनिट्स की, बस इतनी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को आप लोग जो है याद से सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेल नोटिफिकेशन को आप लोग जो है ऑल कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।